हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा अब तक कि हमने नंबर लाइन की तरह किस तरह से रिविजन किया, प्लस साथ साथ हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास जो नंबर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन के टाइप्स के होते हैं, किसको किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की वन बाय वन। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? अब तक क्लियर? तो अब देखिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर, देखिए इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर भी बता देता हूँ क्या डिस्कस किया हमने वहाँ पर। वहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया था कि हमारे पास जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं और रेशनल नंबर्स होते हैं, इनके अंदर ऑपरेशन कैसे फॉलो किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें देखी। तो आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम यहाँ पर आज क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज यहाँ पर 1.5 को डिस्कस करने वाला है। 1.5 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर वन बाय वन तरीके से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, और उस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज देखने वाले। क्लियर? तो स्टार्ट करें वीडियो लेक्चर्स को। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए बेसिकली बात करूँ यहाँ पर, तो आपके पास 1.5 का यहाँ पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा वन बाय वन। और देखें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या देखा हुआ यहाँ पर दे रहा है। देखें तो क्वेश्चन नंबर वन क्या रहा है यहाँ पर एक्सरसाइज 1.5 का, कि यहाँ पर लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग द नंबर्स एज इरेशनल्स और रेशनल नंबर्स। तो आपके पास बेसिकली बात करें तो यहाँ पर रेशनल और इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं, ये हमें अलग अलग करना है। मतलब बेसिकली बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर? देखिए रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये सब चीजें हमने हमारे प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस कर रखी है। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बात करूँ तो वो आपके पास लिखा है 2-√5 लिखा है। यस, क्या लिखा है यहाँ पर? 2-√5 लिखा है। अच्छा देखिए 2-√5 को जरा यहाँ पर डिस्कस करें, तो 2-√5 के बारे में डिस्कस करें तो आपके पास देखिए रूट फाइव क्या है, हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर के साथ यदि आप रेशनल नंबर को एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, कुछ भी करें, तो आपके पास जो नंबर्स आपके पास मिलने वाला है वो हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है यहाँ पर, इरेशनल नंबर्स होता है। क्लियर समझ में आ चुका है? तो यहाँ पे बेसिकली बात करूँ क्वेश्चन नंबर वन के अंदर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर जो आपके पास वन टॉपिक दे रखा है यहाँ पर, ये हमारे पास कैसा होने वाला है, इरेशनल नंबर्स होने वाला है। और इरेशनल नंबर्स को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा आई से। तो यहाँ पे देखिए इरेशनल नंबर्स मैं आई से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, रेशनल नंबर्स को आर के रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। क्लियर? तो ये जो नंबर्स है वो हमारे पास हो गया इरेशनल नंबर्स। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूँ तो लिखा है 3+√3-√2√3। यस, -23। यस, √3 के अंदर, √ के अंदर आपके पास क्या है, 23 है। क्लियर समझ आ चुका है? अब जरा गौर से देखिए इसके अंदर, तो जैसे ही आप यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आपके पास प्लस का 23 और माइनस का √23, ये दोनों चीजें आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। और आपके पास रिजल्ट के फॉर्मेट में बात करूं तो आपको क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। और 3 आपके पास क्या है बेसिकली बात करें तो 3 आपके लिए एक रेशनल नंबर है। तो बेसिकली बात करें तो ये आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया यहाँ पर? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्लियर हो गया। चले हमारे अगले क्वेश्चन के पास। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 2√7 है और 7/√7 है। क्लियर? तो आपके पास बेसिकली बात करें तो √7 ऊपर भी है, √7 नीचे भी है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, √7 से √7 कैंसिल आउट कर दूंगा। तो नंबर के अंदर बात करें तो आपके पास क्या है, 2/7 आ रहा है। यस, नंबर के आपके पास क्या आ रहा है, 2/7 आ रहा है। और 2/7 आपके पास क्या है बेसिकली बात करें तो आपके पास ये एक रेशनल नंबर है। ये आपके पास क्या है बेसिकली बात करें, एक रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया यहाँ पर, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। क्लियर? अच्छा देखिए यहाँ पर बात करें तो आपके पास क्या है, 1/√2। तो देखिए 1/√2 के बारे में बात करें तो √2 हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और यहाँ पर आप उसके क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इरेशनल नंबर का यदि आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, एडिशन करें, तो यहाँ पर आपके पास भी मिलने वाला है क्या, इरेशनल नंबर मिलने वाला है। क्लियर हो गया यहाँ पर? अच्छा देखिए बात करें यहाँ पर 2π के बारे में, तो पाई हमारे पास क्या है बेसिकली बात करें तो इरेशनल नंबर है। बिकॉज पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.147 ऐसे चलती रहती है आपके पास इनफाइनाइट टाइम तक। तो पाई हमारे पास क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। और पाई जब हमारे पास इरेशनल नंबर है तो उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया तो मिलने वाला हमें क्या है बेसिकली, इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। तो बेसिकली बात करें तो ये भी आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर इरेशनल नंबर्स है, वो दोनों नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया यहाँ पर बेसिकली? चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जरा यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर, द सिंप्लीफाई द फॉलोइंग ईच एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पे जितनी भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं इनको हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए सिंप्लीफाई में करना क्या है बेसिकली बात करें तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। देखिए किस तरह से कर सकते हैं, तो लिखा है 3+√3। यस, 2+√2 लिखा हुआ है। क्लियर? तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो करते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इस तरफ इसका सिंप्लीफाई करूंगा, उस तरफ उसका सिंप्लीफाई करूंगा। तो यहाँ पे मैं बीच में क्या कर रहा हूँ, एक मार्किंग करा देता हूँ। ये मार्किंग बना दी, उस टाइप का उसका सॉल्यूशन, इस टाइप के इस टाइप सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस 3 का इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इस 3 का क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब हम दोनों इसके ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 3 × 2 आएगा।
फिर उसके बाद बात करूं तो इस 3 का हम क्या करेंगे, इस रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे प्लस साइन के साथ 3 इंटू रूट 2 करेंगे बेसिकली, ओके। फिर उसके बाद देखिए यहां पर बात करूं तो अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, इस रूट 3 का इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस के साथ आपके पास 2 इंटू रूट 3 हो गया है यहां पर। फिर आपके पास देखिए इस रूट 3 का मैं क्या करूंगा, इस रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो प्लस आपके पास 3 इंटू रूट 2 हो चुका है। क्लियर समझ में आ चुका है, ओके। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखें तो 3 2 आपके पास हो गया 6, प्लस बात करूं यहाँ पर तो आपके पास हो गया 2 रूट 3, यस 3 रूट 2 हो गया यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर तो आपके पास 2 रूट 3 हो चुका है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट बात करें तो प्लस साइन के साथ आपके पास रूट के अंदर आएगा 3 इंटू 2 हो गया 6, क्लियर। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट बनने वाला है, क्लियर समझ आ चुका है यहाँ पर, ओके। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और कोई चीज नहीं दिख रही है, क्लियर हो गया यहाँ पर। या फिर एक काम कर सकते थे, यहाँ पर रूट थ्री कॉमन ले सकते थे, आपके पास 2 प्लस रूट 2 भी बन सकता था, हमने रूट 6 बना दिया, एक ही बात हुई, क्लियर समझ आ चुका है यहाँ पर। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट हो गया। चले उसके क्वेश्चन के ऊपर, तो उसका रिजल्ट निकालते हैं यहाँ पर। तो सेम प्रोसेस करना है यहाँ पर, जो प्रोसेस इस तरफ लगाया है वही प्रोसेस हमें वहां पे भी लगाना है। फर्स्ट एंड फॉल्ट क्या करना है, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आया यहाँ पर, बेसिकली 3 इंटू 3 आ चुका है, क्लियर। उसके बाद देखिए प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर है आपके पास प्लस और यहाँ है माइनस, तो इस माइनस को अभी यहाँ पर रहने देते हैं, केवल आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा लीजिए। उसके बाद बात करूं, देखिए 3 अपनी जगह पर आएगा और वहां पर क्या है, माइनस का रूट 3 है, तो आप माइनस के रूट 3 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जब भी माइनस साइन के साथ कोई भी नंबर लिखे तो माइनस को हमेशा ब्रैकेट के अंदर क्लोज करें। रीजन क्या है यहाँ पर, जब आप इसके माइनस को ओपन करते हैं तो उसके साइन चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए माइनस साइन को हमेशा हमेशा क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर क्लोजेस करना है, तो हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन अगले टॉपिक के ऊपर, तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लीकेशन कराए हैं, फिर से अब इसका मल्टीप्लीकेशन करवाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ प्लस इंटू 3 रूट 2 3 रूट 3 कर देता हूँ। फिर उसके बाद देखिए प्लस आपके साथ अपने साथ लगेगा 3 इंटू, यस बात करूं यहाँ पर तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, यस नेक्स्ट इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करें तो आपके पास क्या है, रूट 3 इंटू माइनस का रूट 3 आ चुका है, माइनस का क्या आ चुका है, रूट 3 आ चुका है, क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर, ओके। अब क्या करें, सॉल्यूशन करते हैं, और क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए सॉल्यूशन किया जाए यहाँ पर, तो सॉल्यूशन के बाद में रिजल्ट क्या आ रहा है जरा यहाँ देखें, तो सॉल्यूशन के बाद में मैं रिजल्ट बताता हूँ आपके पास क्या आ रहा है। तो देखिए 3 इंटू 3 आपके पास कितना हो चुका है, बेसिकली 3 इंटू 3 हो गया आपके पास 9 हो गया यहाँ पर रिजल्ट। फिर उसके बाद बात करूँ तो ये देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस आपके पास मिलकर क्या बन जाएगा, बेसिकली बात करें माइनस बन जाएगा, और रिजल्ट की बात करूँ तो 3 रूट 3 आपके पास आ रहा है, क्लियर। उसके बाद बात करूँ आपके पास तो यहाँ पर देखिए प्लस के साथ आपके पास क्या आ रहा है, 3 रूट 3 आ रहा है। उसके बाद बात करें तो देखिए आपके पास प्लस माइनस हो गया माइनस, रूट 3 इंटू रूट 3 किया जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, बेसिकली 3 होता है, क्लियर, ओके। अब चले आगे इस तरफ और आगे, तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल आउट, यस। आपके पास देखिए माइनस साइन के साथ 3 रूट 3 है, प्लस साइन के साथ 3 रूट 3 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस हो गए, 0 हो गए। 9 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट आपके पास देखने को मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, बेसिकली 9 माइनस 3 = 6 हो गया, क्लियर समझ में आ चुका है। बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। चले हमारे इसके अगले पार्टीशन के ऊपर, तो जरा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास इस तरह से है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 पार्ट में अंदर डिवाइड कर लेता हूँ, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये मेरा सेकंड पार्ट, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ फर्स्ट इस पार्ट को, क्लियर। तो देखिए इसको सॉल्व करें यहाँ पर, तो सॉल्व करने पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, √2 √5 प्लस 2√2 के ऊपर आपके लगा रखा है स्क्वायर। तो जब आपने यहाँ पर स्क्वायरिंग लगा रखी है, यस यहाँ पर आपने स्क्वायरिंग रखी है, तो ये आपके पास कुछ आइडेंटिटी नजर आ रही है यहाँ पर, क्या आइडेंटिटी नजर आ रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, यस ए प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जरा यहाँ बात करें तो आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस, बात करूँ आपके पास बी स्क्वायर प्लस साइन के साथ आपके पास करें तो 2ab होता है, ये आपके पास होता है बेसिकली, ओके। तो हम इसी का यूज करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ स्टार्ट करें, तो देखिए ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, यस ए स्क्वायर की जगह क्या करूँ यहाँ पर, √5 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, √5 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस साइन के साथ आपके पास बात करूँ तो √2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस साइन के साथ 2 इंटू √5 इंटू √2, यस √5 इंटू क्या हो चुका है, √2 हो चुका है, क्लियर। अब सॉल्व करें यहाँ पर, √5 का होल स्क्वायर कितना हो गया, बेसिकली बात करें 5 हो चुका है, √2 का होल स्क्वायर आपके पास कितना हो गया, 2 हो सकता है, हो गया यहाँ पर, बात करें 2 एज इट इज यही रहेगा, यस 2 एज इट इज यही रहेगा, बात करें यहाँ पर 5 इंटू 10 तो ये हो गया 5 इंटू 2 हो गया 10, क्लियर। यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो 5 और यहाँ पे हो गया 6 7, तो यहाँ पे हो गया 7 प्लस 2√2, यस 7 प्लस 2√10, क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना रिजल्ट दे सकते हैं, क्लियर। तो इसे कहते हैं सिंप्लीफाई करना। अब चले हैं यहाँ पर आगे इसकी तरफ वापस,
देखिए वही चीज लिखी हुई है, यस आपको वन बाई वन मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, तो आपने क्या किया यहाँ पर रूट फाइव इंटू रूट फाइव कर दिया है, यस रूट फाइव इंटू रूट फाइव, मतलब आपने क्या किया बेसिकली बात करें तो यहाँ पर हमने क्या किया इस रूट फाइव का इस रूट फाइव से मल्टीप्लाई किया, क्लियर। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर इस फाइव का इस प्लस क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ हो गया है रूट टू मल्टीप्लाई आपके पास हो गया रूट फाइव, क्लियर। इस रूट टू का इसके साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए माइनस इस बार मैं दे रहा हूँ माइनस डायरेक्टली कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर माइनस इंटू रूट फाइव कर रहा हूँ, क्लियर ओके। अब नेक्स्ट बात करें तो माइनस रूट टू प्लस रूट टू तो हो गया आपके पास बेसिकली बात करें तो माइनस साइन के साथ आपके पास हो गया रूट टू एंड यहाँ भी हो गया रूट टू, क्लियर समझ आ चुका है ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करने से बाद का आपका रिजल्ट क्या आ रहा है जरा उसको देख लेते हैं। देखिए रूट फाइव इंटू रूट फाइव हो गया फाइव, यस तो यहाँ पे आपके पास हो गया फाइव प्लस साइन एज इट इज लगेगा, यहाँ पे ले लेते हैं रूट फाइव इंटू टेन हो गया, यहाँ पर टू फाइव से टेन हो गया, माइनस साइन के साथ बात करूँ तो रूट फाइव इंटू टेन हो गया, यहाँ पर माइनस साइन के साथ बात करूँ तो टू हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पर। देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो ये हो गया यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया ये दोनों। अब बात करें यहाँ पर तो आपके पास क्या हो गया फाइव माइनस टू इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर बेसिकली थ्री, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया बेसिकली थ्री आ चुका, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर रिजल्ट निकाल सकते हैं। चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा उसको देखें। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है जरा देखें, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है रिकॉल, यस रिकॉल करते हैं जरा यहाँ पर, पाई इज द डेफिनेशन डिफाइन द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस इज द सर्कल्स टू द इस डायमीटर, मतलब आपने क्या बोला है यहाँ पर कि आपके पास यदि आपको पाई निकालना है तो बेसिकली आपने क्या किया सर्कमफेरेंस के आपने क्या किया डायमीटर को डिवाइड कर दिया तो आपके पास पाई आ गया। अच्छा देखिए आपके पास यहाँ पर क्या बोला जा रहा है जरा यहाँ पर देखें, तो आपके पास बोला जा रहा है एक सर्कल है, यस मैं बात करूं यहाँ पर एक सर्कल है तो ये रहा सर्कल, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूले की बात करूं तो सर्कल के सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास टू पाई इंटू आर, यस आपके पास क्या होता है टू पाई इंटू आर। अच्छा देखिए सर्कमफेरेंस की बात करें तो सर्कमफेरेंस को यहाँ पे सी लिखा है इंटू टू एस के साथ और टू आर को यहाँ पर डायमीटर को डी बोल दिया है, यस टू इंटू आर आपके पास क्या होता है डायमीटर डी होता है तो डी बोल दिया है और यहाँ से आपके पास पाई आ चुका है, क्लियर। तो देखा जाए यहाँ पर तो पाई की जो वैल्यू होती है वो आपके पास सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर आए हैं, सर्कमफेरेंस अपॉन क्या आया है डायमीटर आया है पाई की वैल्यू, क्लियर। तो देखिए हमेशा और हमेशा के लिए यहाँ पे बात करें तो आपके पास वही चीज लिखी है यहाँ तक, उसका लगा दिस इज स्कैम द कंडक्ट ऑफ द फैक्ट दैट द पाई इज द इरेशनल नंबर्स व्हेन यू रिजॉल्व द कंडक्शन। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो पाई की यहाँ पे जो वैल्यू निकलती है ये ऑलवेज एंड ऑलवेज सेम वैल्यू निकलती है और वो होती है 22/7, यस क्या होती है यहाँ पर 22/7 होती है और 22/7 को यहाँ पर थोड़े यहाँ पर इरेशनल नंबर्स की कंडीशंस की बात करें तो आपके पास 3.14732 इस तरह से आपके पास नंबर बढ़ते जाते हैं तो हम 3.14 तक ही इसको कंसिडर करते हैं, क्लियर समझ में आ चुका है। यहाँ पर इस तरह से नंबर बढ़ते रहते हैं तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर क्या बोले जा रहा है यहाँ पर ओके। चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो जरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली बस आपको यहाँ पर थ्योरी में लिखना था, यस यस हम एक सर्कल की सर्कमफेरेंस सी ले रहे हैं यहाँ पर और उसके बाद हम क्या करें उसका जो यहाँ पर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो टू पाई आर होता है या टू इंटू आर इज इक्वल टू डायमीटर्स होता है और डायमीटर को जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको क्या मिलेगा पाई ही मिलने वाला है, क्लियर। चलो अब आगे यहाँ पर तो जरा आगे चलते हैं यहाँ पर और आगे क्या बोल रहा है जरा क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन बोल रहा है रिप्रेजेंट द रूट, यस बात करें यहाँ पर तो नंबर क्या है जरा उसको देख लेते हैं रूट 9.3 है, यस रूट 9.3 को ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है बेसिकली रूट 9.3 को, तो करते हैं रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। देखिए किस तरह से कर सकते हैं जरा उसको समझते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, तो आपके पास ये एक नंबर लाइन हो गई है, यस यहाँ पर मेरे पास क्या हो गई एक नंबर लाइन हो गई है, क्लियर ओके। यहाँ पर एक नंबर लाइन हो गई, इस नंबर लाइन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ 9.3 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, यस क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बेसिकली 9.3 को रिप्रेजेंट करूंगा बेसिकली, तो हमें तो रूट 9.3 को करना है लेकिन हम 9.3 को क्यों करें, तो उससे आप यहाँ पर दो मिनट में समझ जाएंगे कि हम 9.3 को क्यों करने वाला है। तो बेसिकली बात करूँ तो ये आपके पास हो गया जीरो और यहाँ कहीं आपके पास बेसिकली बात करें तो ये हो गया 9.3, यस क्या हो गया यहाँ पर 9.3 हो चुका है, क्लियर ओके। अब देखिए 9.3 के साथ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली 1 को ऐड कर रहा हूँ, यस 1 को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे कई पॉइंट ला रहा हूँ, मतलब आपके पास देखिए यहाँ पॉइंट ए हो गया है, ये पॉइंट बी हो गया है, ये पॉइंट सी हो गया है, यहाँ से यहाँ तक मैंने 1 किया है, तो आपके पास देखिए बेसिकली ये आपके पास 1 हो गया है और यहाँ पर बात करूँ तो ये हो गया 10.3 हो चुका है, यहाँ तक आपके पास क्या हो गया 10.3 हो चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई बेसिकली बात करें तो वो हो गई 10.3 और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी हो गई 9.3, क्लियर समझ में आ चुका है। अब मैं बेसिकली कर रहा हूँ ए और सी, यस ए और सी को यहाँ पर डायमीटर्स मानते हुए यहाँ पर एक सर्कल डिफाइन कर रहा हूँ, यस ए और सी को यहाँ पर डायमीटर मानते हुए कुछ इस तरह से आपके पास एक सेमी सर्कल डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये बना है मेरे पास एक सेमी सर्कल, क्लियर। ए और सी को यहाँ पर डायमीटर मानते हुए सर्कल डिफाइन कर रहा हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हैं एसी को यहाँ पर बाइसेक्ट कर लीजिए, बाइसेक्ट करने पर आपके पास यहाँ पर सेंटर पॉइंट ओ आएगा और सेंटर पॉइंट से आप यहाँ पर एक सर्कल डिफाइन कर सकते हैं,
क्लियर। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ से मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर बना लिया है कुछ इस तरह से, यस मैंने एक परपेंडिकुलर बना लिया है यहाँ पर। ओके इधर से क्या बनाया है मैंने, बेसिकली बात करूँ तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है कुछ इस तरह से। ओके अब देखिए परपेंडिकुलर बनाया तो ये आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन हुई है, इसके थ्रू मैंने यहाँ पे क्या किया इसको ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर मेरा एक ट्राइंगल बन चुका है। बेसिकली बात करें ये 9.3 हो चुका है, यहाँ पर ये कुछ डिस्टेंस हो चुकी है। ओके अब देखिए यहाँ से क्या किया मैंने, इस पॉइंट को यहाँ पर इसको डायमीटर्स इसको यहाँ पर रेडियस मानते हुए, यस इसको रेडियस मानते हुए मैंने क्या किया, बस यहाँ से एक कट मारा है। यस यहाँ पर मैंने क्या किया एक कट मारा है, और जहाँ पर ये जो कट लगा है, जस्ट मैं बात करूँ यहाँ पर ये जो कट लगा है, ये कट मेरा एम कट है, और यही रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 9.3 को। यस यही रिप्रेजेंट क्या कर रहा है 9.3 को, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है जरा उसको देख लेते हैं यहाँ पर। ओके कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है जरा इसको समझे, तो देखिए यहाँ पर 9.3 आपके पास यहाँ पर मैंने डिस्टेंस कवर की, जब आपने इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर माना, यस यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर माना, तब आपके पास यहाँ से आपके पास जो डिस्टेंस है और प्लस ये, तो ये मिलकर आपके पास यहाँ से एक रेडियस बनती है। यस यहाँ पे आपके पास क्या बनती है एक यहाँ पर एक रेडियस, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनता है जिसको हम यहाँ पर कट करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 9.3 मिलता है। क्लियर मिल गया समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चले हमारे इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर हमें क्या करना है रेशनलाइजेशन करना है बेसिकली। तो रेशनलाइजेशन वन बाई वन करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, तो वन बाई वन करते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेसिकली बाइसेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर पोर्शन को, यस क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा हूँ, इधर मैं रेशनलाइजेशन करूंगा, उधर भी फिर से रेशनलाइजेशन करूंगा, और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो चले यहाँ पे फर्स्ट रेशनलाइजेशन के ऊपर, तो फर्स्ट लिखा है 1/√7, यस मैं बात करूँ आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेसिकली बात करें तो 1/√7 यहाँ पर लिखा हुआ है। यस हमें इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो रेशनलाइजेशन के अंदर होता क्या है, रेशनलाइजेशन के अंदर ये होता है कि आपके पास जो भी डिनोमिनेटर्स है, यस यहाँ पे बात करें जो भी डिनोमिनेटर्स है उसका जो टर्म्स लिखी हुई है उसके यहाँ पर सेम चीज से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। तो बेसिकली बात करें तो आपके पास नंबर क्या है यहाँ पर 1/√7 है यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ रूट सेवन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और रूट सेवन से ही यहाँ पर क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, रूट सेवन से मल्टीप्लाई एंड रूट सेवन से क्या किया डिवाइड कर दिया। तो देखिए रूट सेवन इंटू रूट सेवन नीचे क्या बन गया आपके पास, रूट सेवन इंटू रूट सेवन सेवन बन चुका है आपके पास। तो नीचे की तरफ बात करूँ तो नीचे की तरफ आपके पास सेवन बन चुका है, ऊपर की तरफ बात करें तो सेवन इंटू वन की बात करूँ तो यहाँ पे सेवन इंटू वन क्या बन चुका है यहाँ पर बेसिकली रूट सेवन बन चुका है। क्लियर क्या बन चुका है रूट सेवन बन चुका है, तो ये हमने कर दिया इसका रेशनलाइजेशन। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर। अब चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से आप यहाँ पर और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे रेशनलाइजेशन किया कैसे जाता है। सिंगल नंबर का तो आप रेशनलाइजेशन सिंपल सिंपल तरीके से करते हैं, लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल नंबर होते हैं तब यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उस चीज को समझते हैं। तो देखिए 1/√7 - √6 लिखा है यहाँ पर, तो बेसिकली इस केसेस के अंदर क्या किया जा सकता है कि आपके पास जो नीचे वाला नंबर्स होता है उसके अपोजिट साइन से, यस उसके अपोजिट साइन से आपको क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता है। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जरा यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पे बात करता हूँ तो रूट सेवन यस माइनस रूट सिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जरा उसको देखिएगा किस नंबर से मल्टीप्लाई, यस यहाँ पे बात करूँ तो देखिए रूट सेवन प्लस साइन के साथ आपके पास कर रहा हूँ रूट सिक्स, रूट सेवन यस प्लस साइन के साथ कर रहा हूँ रूट सिक्स। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर, इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर, यहाँ पर हमने क्या किया अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, सेम चीज से अपोजिट एंड डिवाइड किया, तो उससे क्या हुआ ये दोनों कैंसिल आउट होकर वापस क्या बनाएगा आपके पास वन ही बनाने वाला है बेसिकली। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करें सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करें और रिजल्ट निकाल देते हैं। तो देखिए वन इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की तरफ तो आपके पास क्या बनेगा रूट सेवन प्लस यहाँ पर बनने वाला है रूट सिक्स, प्लस सेवन बनने वाला रूट सिक्स। ओके नीचे की तरफ बात करते हैं यहाँ पर, नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बेसिकली बात करें तो ये लिखा है रूट सेवन माइनस सिक्स रूट सेवन प्लस सिक्स, मतलब आपके पास ये लिखा हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर जरा यहाँ पर एक आइडेंटिटी को रिकॉल कीजिए, यस यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ एक आइडेंटिटी को रिकॉल कर रहा हूँ, जरा देखिए कौन सी आइडेंटिटी है जरा यहाँ पर देखें, तो यहाँ लिखा है देखिए ए प्लस बी, यस ए प्लस बी, नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर ए माइनस बी, तो इस आइडेंटिटी को हम बोलते हैं बेसिकली बात करें, यस इस आइडेंटिटी को बोलते हैं हम बेसिकली, ओके इस आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं बेसिकली ए स्क्वायर माइनस साइन के साथ आपके पास बोलते हैं बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जब आप यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर कुछ इसी टर्म्स के अंदर उसका लिखा है ए की जगह लिखा है सेवन, बी की जगह लिखा है रूट सिक्स, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस क्या लगेगा बी स्क्वायर लगेगा, मतलब बेसिकली बात करूँ तो आपके पास क्या लगेगा रूट सेवन का होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ आपके पास क्या लगेगा रूट सिक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, अच्छा देखिए रूट सेवन का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या सेवन आएगा, रूट सिक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या सिक्स आएगा, सेवन माइनस सिक्स करेंगे तो आपके पास क्या वन आएगा। यस तो यहाँ पे बात करें तो रूट सेवन, यस रूट सेवन प्लस यहाँ पर हो गया रूट सिक्स और डिवाइड में आपके पास क्या है वन। अच्छा देखिए वन को लिखे या ना लिखे बात बराबर ही रहती है, क्लियर बात क्या रहती है बराबर रहती है, तो इसका मतलब आपके पास जो रिजल्ट आया है वो क्या है सेवन प्लस रूट सिक्स आ गया है। क्लियर, तो अभी तक आपके पास डिनोमिनेटर में चल रहा था, अब आपके पास क्या आ रहा है न्यूमरेटर में आ चुका है। क्लियर समझ में आ चुका है,
ओके और देखेंगे इसके क्वेश्चन को जिससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन कहाँ है आपके पास, जरा देखें। तो क्वेश्चन आपके पास फिर से ये है, दो क्वेश्चन आपके पास फिर से हैं, इनके पास फिर से हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली करूंगा मैं इसको दो पार्टीशन में कर दूंगा फिर से, ये मैंने कर दिया है दो पार्टीशन के अंदर, वन एंड टू पार्टीशन के अंदर। तो देखिए फर्स्ट पार्टीशन को देखें तो सेम टू सेम है, यहाँ पर प्लस है तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बात करूँ तो आपके पास क्या है, वन अपॉन यस वन अपॉन रूट फाइव प्लस बात करूँ तो आपका लिखा है रूट टू, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए किस नंबर से कर रहा हूँ जरा यहाँ पर देखिएगा, रूट फाइव यस रूट फाइव माइनस रूट टू, रूट फाइव माइनस रूट टू डिवाइड बाई कर रहा हूँ रूट फाइव माइनस रूट टू। यस क्लियर समझ में आ रहा है, ओके। अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बनाएगा वन। क्लियर समझ में आ चुका है, ओके। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और आगे की तरफ, तो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या है, रूट फाइव माइनस रूट टू बन चुका है यहाँ पर। यस ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे नीचे से मल्टीप्लाई, तो सेम आइडेंटिटी लगानी है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब आपके पास बेसिकली बात करूँ तो आपके पास क्या है, रूट फाइव का होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ आपके साथ क्या है, रूट टू का होल स्क्वायर आ चुका है। क्लियर, ओके। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं यहाँ पर, क्लियर। तो ऊपर की तरफ आपके पास क्या हो गया, रूट फाइव माइनस रूट टू, यस रूट फाइव माइनस रूट टू। नीचे की तरफ बात करूँ तो फाइव का स्क्वायर, रूट फाइव का स्क्वायर हो गया फाइव, रूट टू का स्क्वायर हो गया टू, तो फाइव माइनस टू करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा बेसिकली बात करें तो आ गया थ्री। क्लियर, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वन अपॉन रूट सेवन माइनस टू। अब क्या करें सर, यहाँ पर भी यही करना है, तो बस आपको वही करना है, नीचे आपके पास कुछ भी लिखा है उसका अपोजिट साइन लेते हुए आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करता हूँ यहाँ पर, तो बेसिकली बात करें यहाँ पर तो क्या है, वन अपॉन रूट सेवन, यस वन अपॉन रूट सेवन माइनस टू है यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जरा देखिए किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रूट सेवन, यस बेसिकली बात करूँ तो आपके पास क्या है, रूट सेवन प्लस टू के साथ, यस और डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर रूट सेवन प्लस टू के साथ। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करें क्या रिजल्ट आ रहा है जरा, तो नीचे की तरफ बात करें, ऊपर की तरफ बात करूँ तो आपके पास क्या है, रूट सेवन प्लस टू आपके पास एज इट इज है, नीचे की तरफ बात करें तो आपके पास क्या है, रूट सेवन का होल स्क्वायर, रूट सेवन का होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ टू का होल स्क्वायर। क्लियर, ओके। देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है जरा यहाँ पर देखें, तो ऊपर की तरफ तो आपके पास रूट सेवन आ रहा है, यस ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, रूट सेवन आ रहा है प्लस टू आ रहा है, नीचे की तरफ बात करें तो रूट सेवन का स्क्वायर क्या हो गया बेसिकली बात करें, सेवन हो गया, सेवन माइनस फोर, टू का स्क्वायर क्या हो गया फोर, तो सेवन माइनस फोर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट है वो बेसिकली क्या बनेगा, बेसिकली थ्री बनने वाला है। यस सेवन माइनस फोर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, थ्री बनेगा। क्लियर समझ आ चुका है, तो रेशनलाइजेशन बहुत आसान चीज होती है, बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए रूट के अंदर जो भी आपके पास डिनोमिनेटर्स के अंदर रूट कभी भी सुटेबल्स नहीं होता है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, उसको यहाँ से रूट को हटाना पड़ता है, तो उस रूट को हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन का यूज करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो टॉपिक है रेशनलाइजेशन का वो कवर अप हो गया। क्लियर, तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम पावर और एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर्स के अंदर, मतलब आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर्स है इसी फर्स्ट चैप्टर्स का एक टॉपिक है पावर एंड एक्सपोनेंट्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, ये चीज आप टॉपिक पढ़ भी चुके हैं क्लास सिक्स क्लास सेवन के अंदर पढ़ते हुए आए, क्लास एट के अंदर भी पढ़ते हुए, लेकिन हम इसे फिर से रिकॉल करेंगे, उसके जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार मजेदार उनको भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें ताकि उनको भी यहाँ पर मजेदार लगे, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मजा आए। देखिए चीजें देखिए बहुत अच्छी चीजें चल रही है, यहाँ पर कोर्स को डिस्कस कराया जा रहा है, क्वेश्चन को डिस्कस कराया जा रहा है। क्लियर, तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के अंदर शेयर करें। क्लियर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।